जो मासूम बच्चे थे उन लोगों को गिरफ्तार करा, जो बूढ़े थे 50 साल के उन लोगों को ले गए और रात में घरों में मुसलमान महिलाओं के साथ में बदतमीजी करी, उनके घरों में तोड़फोड़ करी, जेल में बच्चों को बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है, उन लोगों ने कोई जुल्म तो किया नहीं है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश में रामनवमी के दिन हुई हिंसा से खरगोन अभी भी जल रहा है। मुस्लिम समुदाय में इतनी दहशत है, इतना खौफ है कि इसके चलते वो ईद के दिन भी अपने घर तक नहीं गए। छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को जेल में ठूसा जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं से बदतमीजी की जा रही है। इन सभी आरोपों के साथ मुस्लिम महिलाएं शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। पुलिसिया एक्शन के खिलाफ, पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ पुलिस से ही शिकायत कर रही हैं। क्या मुस्लिम समाज को टारगेट करने के लिए शिवराज सिंह सरकार खेल कर रही है? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए इस खबर को ध्यान से देखिए। हम आपको बताएंगे कि कैसे मुस्लिम महिलाओं ने सरकार और पुलिसिया एक्शन को बेनकाब किया है। सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो कि सामने आया है, मुस्लिम महिला का दर्द सुनाते हैं कि कैसे मुस्लिम महिलाओं ने शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ मोर्चा बंदी कर दी है और किन ज्यादतियों के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं को धरना करना पड़ रहा है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर इसके बाद आगे की कहानी बताते हैं। लेली लेके हम एसपी ऑफिस पहुंचे हैं क्योंकि मुस्लिम समाज यहाँ पर एसपी ऑफिस ज्ञापन लेकर आया है कि पुलिस प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन का फेलर मुस्लिम समाज पे उतारा जा रहा है। मुस्लिम समाज के बेगुनाह बच्चों को बिना सीसीटीवी फुटेज के, बिना आइडेंटिफिकेशन के, इन लोगों को आंकड़े दिखाने की इन लोगों ने इतने लोगों को गिरफ्तार किया। अगर ये आइडेंटिफिकेशन करते, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में ये पुलिस वाले गिरफ्तार करते और उसके बाद बच्चों को ले जाते तो इनकी पूरी कानून के तहत प्रक्रिया होती। लेकिन इन्होंने 12-12 साल के, 15-15 साल के जो मासूम बच्चे थे उन लोगों को गिरफ्तार करा, जो बूढ़े थे 50 साल के उन लोगों को ले गए और रात में घरों में मुसलमान महिलाओं के साथ में बदतमीजी करी, उनके घरों में तोड़फोड़ करी और उनके घरों में तोड़फोड़ करके उनके बच्चे इतने डर के, सहम के, इतने रो रहे हैं और उन लोगों को परेशान करके ले गए। तो आप देख सकते हैं कि महिला कह रही है कि 12-15 साल के बच्चों से लेकर 50 साल के बुजुर्ग तक को जेल में ठूसा जा रहा है। पुलिस प्रशासन अपने फेलियर का जिम्मा मुस्लिम समाज पर फोड़ रहा है। हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, बच्चों को परेशान किया जा रहा है और उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। आप महिला के इस बयान से उसका दर्द समझ सकते हैं कि कैसे वो पुलिसिया एक्शन के चलते इतनी परेशान हो गई है, मुस्लिम महिलाएं इतनी परेशान हो गई हैं कि वो सड़क पर उतरने को मजबूर हो गई हैं, जुलूस निकालने को मजबूर हो गई हैं। इसकी आवाज़ से, महिला की आवाज़ से आप उसके दर्द का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे पुलिसिया एक्शन के चलते ना कोई इनका त्यौहार रहा है और कैसे इनका जीवन बर्बाद हो रहा है। आपको आगे का भी वीडियो सुनाते हैं कि सुनिए कि कैसे महिला कहती है कि वो ईद के दिन भी अपने घर नहीं जा पाई, डर लगता है, खौफ ज़दा है और इसके साथ ही मोहल्ले वाले भी दंगाई बता रहे हैं। आगे का वीडियो देखिए। हम हमारे परिवार को छोड़ के 24 दिन घर से बाहर रहे, हम इतने भय के माहौल में रहे कि हम हमारे घर नहीं आ सके, हम हमारे घर ईद नहीं मना सके, हमारे घर के बच्चे ऐसे रोते बिलखते रहे और रोती बिलखती रही, लेकिन कोई हमारी मदद नहीं करने आया और ऊपर से हमारे ही मोहल्ले वाले हमें दंगाई बता रहे, पुलिस प्रशासन मीडिया कोई हमसे पूछने नहीं आया कि उस टाइम हमारी स्थिति क्या थी। हमारी धान मंडी की मस्जिद को आग लगा दी गई और भाटवाड़ी मोहल्ले में विशेष समुदाय के द्वारा भाटवाड़ी मोहल्ले में हमला किया गया। उस समुदाय जिस मुस्लिम मोहल्ले के लोग तो बाहर हमला नहीं करने गए थे। एसपी साहब से हमारी बात हुई और हमारी मांग यही है कि हमारे जितने भी बेगुनाह मुसलमान भाई जेल में बंद है उन सबको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और पुलिस प्रशासन द्वारा यह बात भी सामने आ रही है कि जेल में बच्चों को बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है। उन लोगों ने कोई जुल्म तो किया नहीं है, कोई जुल्म तो खुलाना नहीं है आपको, तो उनको इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। हम आप लोग उनको गिरफ्तार कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उनको इतनी बुरी तरीके से जानवरों की तरह क्यों पीटा जा रहा है? आप लोगों का कानून का अधिकार है, आप बिल्कुल गिरफ्तार करें। मेरा नाम उस्मा शेख है। उस्मा
सलमा शेख के दर्द का अंदाजा आप उनकी रोती बिलकती हुई आवाज से लगा सकते हैं। कह रही हैं कि हम रोते रहे, बिलकते रहे, तड़पते रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन और मीडिया हमसे किसी तरह का कोई सवाल करने नहीं आया, हमारा हालचाल लेने नहीं आया। इसके साथ ही वो कहती है कि जिन नाबालिगों को जेल में ठूसा गया है उनके साथ जानवरों से बदतर व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें पुलिस बुरी तरीके से मार रही है। हमारा कहना है कि अगर गिरफ्तारी भी हुई है तो कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की जाए। इन्हीं सब आरोपों के साथ, इन्हीं सब सवालों के साथ मुस्लिम महिलाओं ने मध्य प्रदेश के खरगोन में एसपी को अपना ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि इस खबर को शेयर करते हुए वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के खरगोन में बेगुनाहों की गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर उतरा महिलाओं का हुजूम। पिछले महीने खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी। इस हिंसा के बाद मध्य प्रदेश पुलिस पर एक तरफा और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लग रहा है। वहीं सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। लगातार जो मध्य प्रदेश के खरगोन में कार्रवाई हुई है उस पर सवाल उठते रहे। हम भी आपको दिखाते रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश की जो खरगोन हिंसा को लेकर कार्रवाई है वो सवालों के घेरे में है। एक तरफ पीएम आवास पर बुलडोजर चला दिया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ उस शख्स को आरोपी बनाया जाता है, उस शख्स पर पत्थरबाजी का आरोप लगाया जाता है जिसके खुद के हाथ तक नहीं होते हैं। इसके साथ ही जो पुलिस केस दर्ज करती है, जिन पर एफआईआर दर्ज होती है, उसमें ज्यादातर मुस्लिम शामिल होते हैं। और तो और जो लोग जेल में होते हैं, अस्पताल में होते हैं, उनको आग उन मुस्लिमों को आगजनी का आरोपी बताया जाता है। इतना ही नहीं, जो लोग शहर में तक नहीं होते हैं, कर्नाटक में होते हैं, खबरें सामने आती हैं, उनको तक खरगोन हिंसा का आरोपी बताया जाता है, ऐसे कार्रवाई की जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि जो पत्थरबाजी हुई है उसके लिए मुस्लिम समुदाय जिम्मेदार है। तो सवाल तो उठेगा, सवाल जरूर उठेगा, क्योंकि जो कार्रवाई हो रही है, जैसी कार्रवाई हो रही है, जैसी खबरें सामने आ रही है, उससे पक्षपात का आरोप मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर लग रहा है। लगातार सवाल उठ रहे हैं, लगातार आरोप लग रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण अभी तक ना पुलिस की तरफ से और ना ही सरकार की तरफ से सामने आया है। अब यहाँ सवाल उठता है कि जो उज्मा कह रही हैं कि उनके फेलियर का, सरकार अपने और पुलिस प्रशासन के फेलियर का जिम्मा मुस्लिम समुदाय पर फोड़ रही है, क्या ये सच है? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सच्चाई दूसरों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, उसके साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर